काम हो दादा, हम तो पानी में नहाकर से पूछ। हमारे वार्ड में तो गोबर से खल रहे, सब नाली भरे भैंस जानवर के से। ये घर अंदर भी अंदर घुस जाता, इधर तो पूरा अंदर है अंदर। हमारे गली पानी ही दादा, नाली साफ नहीं होगा बराबर। और बहुत सारे लोगों को आवेदन भी किए लेकिन यहाँ कोई नहीं आता। आज के रोज में सफाई कर देगा ना तो एक हफ्ते के बाद उठाएगा वो। नाली के पानी भरे से भाग से, नाली के पानी में नहीं जाए। यहाँ बच्चे रोज बीमार हो रहे हैं, आए दिन बीमार हो रहे हैं, कोई सलूशन ही नहीं है। घर के नीचे नालियाँ है, देख सकते हैं आप किस तरीके से नालियों में गंदगी का अंबार है। जो नालियों की स्थिति देखने के बाद साफ आपको एहसास होगा कि इस नाली की सफाई महीनों नहीं बल्कि बरसों से हुई नहीं। छत्तीसगढ़ में आगामी कुछ महीनों में नगरीय निकाय चुनाव होना है, इसलिए आज से वोकल टीवी की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर जाके हर वार्ड में जो भी स्थिति है, 5 साल में क्या विकास हुआ, उसको तलाशने का हर संभव प्रयास कर रही है। आज हम वार्ड नंबर 50 रानी दुर्गावती वार्ड में मौजूद हैं। यहाँ की जो जनता है हम उनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि 5 साल में जो यहाँ के पार्षद रहे क्या कुछ काम किया, या फिर जो विकास के दावे लगातार करते रहते हैं हर पार्षद, वो दावे सब कुछ कोरे हैं। क्या नाम है बाबा? सुकालू निषाद। क्या क्या काम हुआ है 5 साल में? क्या क्या काम, कहाँ काम हुआ दादा, हम तो पानी में नहा कर पूछो, हमारे गली पानी ही दादा, और क्या समस्या कहता हूँ। हमेशा पानी लगा रहता है, नाली साफ नहीं होगा बराबर। पार्षद कौन है आपके? सहदेव। सुनते उनते नहीं है कुछ? अरे कहाँ, वो तो आवे नहीं करे। अच्छा, जीतने के बाद आते नहीं है। कभी गए आप लोग आवेदन आवेदन दिए किसको भाई साफ करा दीजिए? अरे क्यों बार हो गए, 2 महीना हो गए, मैं राशन कार्ड नहीं दे, बस नहीं आए नहीं आए, पिछुक गए तो राशन कार्ड आगे। राशन कार्ड भी नहीं बना? नहीं दे। राशन भी नहीं मिलता होगा? नहीं, चावल पुराना मिले बस, अभी नवा नहीं दिए। क्या कह रहे हैं राशन तो मतलब अभी आज नहीं है कि जैसे डालने का मतलब काम करते हैं। जैसे चुनाव होना है 3 महीने 4 महीने बाद, फिर क्या लग रहा है इस बार जीते खड़ा होंगे तो जीतेंगे कि नहीं? अब जीत ही काबर नहीं, कोनो हो दादा खड़ा हो काबर नहीं दे, वो हमारे तो कोनो नहीं दे, डोकरी हम तो ये सेवा करते हैं बस डोकरी के। अच्छा, बारिश में ही पानी लगा रहता कि हमेशा? 12 महीने बार पूछने के जब पानी ही 12 महीना चलाते। नाली वाली बनी है? नाली से पानी भरे से भाग से, नाली से पानी नहीं जाए, नाली ढक से नहीं बनी है। क्या नाम है? सूरज लाल। इसी वार्ड के हैं? हाँ। क्या क्या काम हुआ 5 साल? 5 साल में कुछ काम नहीं हुआ है। अरे मोहल्ला वाले तो 12 महीना नाली से पानी में तो इतना पानी बनेगा तभी भरे हो अभी। और हमारे वार्ड में तो गोबर से खल रहे, सब नाली भरे भैंस जानवर के सेती। अच्छा, पूरा गोबर है नाली? हाँ। अच्छा, निगम की गाड़ी वाड़ी आती है कि नहीं सफाई? ये नाली साफ करे पर 15 दिन 2 महीना हमको ये गाय आ जाते हैं। विकास मतलब कुछ हुआ नहीं। आप क्या नाम लिखते हैं? लखन लाल। इसी वार्ड में रहते हैं? हाँ, इसी वार्ड में। पार्षद कौन है? सहदेव। अभी क्या क्या काम किए? कुछ काम नहीं किए, सब कचरा वचरा है, साफ सफाई है कि नहीं? राशन उशन मिलता है? हाँ, राशन मिलता है। राशन कार्ड बना है? हाँ बना है। समस्या क्या क्या है? अभी एक तरफ से वही गोबर निकला थे नाली में, इतने भाई डेरी रखे है। हाँ, पूरा गोबर नाली में? नाली में बहा थे। बदबू भी करता? हाँ, बदबू करत ना। बरसात में पानियों ने भी लगता है? बरसात में नहीं है तो नाली ही, नाली में ही सब पानी है। हाँ। क्या नाम लिखते बाबा? क्या नाम लिखते हैं? नाम है। इसी वार्ड में रहते हैं? हाँ? इसी वार्ड के हैं? हाँ। क्या काम हुआ, विकास क्या हुआ? साफ में चला से साहब, अब साफ विकास विकास नहीं हुआ है? हाँ? काम हम नहीं हुआ 5 साल का? विकास नाली भरे जान से गोबर, इधर भी नाली भर जाती। चुनाव होना है, क्या लग रहा है इस बार वोट देंगे आप लोग जो मौजूदा पार्षद? जैसे नाली में पानी भर रही थी बरसात में, रेंगे थे सड़क का नीचे और नाली ऊपर, झूलत नहीं पानी भी रहेगा थे आदमी। क्या नाम लिखते हैं?
रामस्वरूप। पार्षद कौन है आपका? सहदेव व्यवहार। क्या क्या काम किए 5 साल में? बहुत कुछ किया और बहुत कुछ नहीं किया। क्या क्या किए वो बताइए। अब रोड नाली तो बनाए हैं इधर उधर, कॉलोनी अंदर बस्ती का कोई काम नहीं किया। बस्ती में कोई काम नहीं? ऐसा क्यों होता है? युवा बेदी वाला काम क्या पता, अब रोड को देख लो उनके बाद बताना। तो मैं आप लोगों से तो पूछ रहा हूँ ये समस्या। आप क्यों नहीं किया, कैसा नहीं किया, पता नहीं क्या हमारी में कम लोग जाके बोलते नहीं? कुछ लोग बोले हैं, कुछ बोले हैं, कुछ नहीं बोले हैं। बाकी बस्ती के खत्म हो चुका है ना, 5 साल तो बीत चुका है। बस्ती के तो ये हाल हो गया समझ लो, बस्ती को कोई काम नहीं किया। मच्छर वच्छर भी लगता है घर में? लगता है। इसी वार्ड में रहते हैं? हाँ, इसी वार्ड का। क्या क्या काम हुआ है अभी तक? तो मेरे नज़र में कुछ काम नहीं हुआ है। बस्ती ऐसे 5 साल मतलब? हाँ, 5 साल बीत गया। क्या लग रहा है इस बार अगर वोट वो खड़े होते तो जीते? नहीं जीतेंगे, नहीं जीतेंगे, आएगा भाजपा ही आएगा, कांग्रेस का नहीं आएगा। शिकायत वगैरह की आप? शिकायत क्या सर, कोई सुनता ही नहीं, क्या शिकायत करे। अपने सौंदर्य करने के लिए तालाब के लिए बोले थे, तालाब के अभी तक तो हुआ ही नहीं। पैसा उसका आ गए, पास हो गए बोल रहे थे, मगर अभी तक तो कुछ नहीं, ऐसे पड़ा है तालाब। तालाब है बाहर? हाँ, बाहर में तालाब नहीं, एक ही तालाब है मेन, उसका पूरा सौंदर्यीकरण के लिए पैसा निकला था, मगर कहाँ गया क्या है पता ही नहीं उसका। तो जो नालियों पर स्लैब व्लैब की व्यवस्था होती है? नहीं, पूरा खुली है। तो निगम वाले आते हैं साफ सफाई करते? निगम वाला आते हैं, जैसे एक आज के रोज में जैसे सफाई कर देगा ना तो एक हफ्ते के बाद उठाएगा वो। हाँ, एक हफ्ते के बाद उठाएगा, तुरंत नहीं उठाते हैं। क्या लगती होंगी? भिन्न 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 आते हैं, फिर से जैसे सुअर उअर कुछ लोग घूमते रहते हैं, वो जानवर वानवर पूरा वही फिर नली में फिर डाल देते हूँ, फैल जाते रोड पर चलने। हाँ, चलने में दिक्कत होती है सर। क्या नाम भैया आपका? अप्पू कुमार साहू। इसी वार्ड के हो ना? जी सर। क्या क्या काम किया आपके पास? कुछ नहीं किया सर पार्षद। क्या किया? कुछ नहीं किया, शिकायत लग जाता है, कुछ करते ही नहीं पार्षद हो तो। बट हो जाएगा बोलता, लेकिन कुछ किया नहीं। वो 5 साल ऐसे ही बीत गए। हम लोग अपने मंडक के लिए गए थे, अपने बोलने के लिए मंडक भी बना के दी नहीं हमको, तो सबको तो मंडक बन चुका है लेकिन हम लोग को दिया नहीं मंडक बनाकर। पार्षद तो आप ही लोगों के बीच के हैं? कुछ नहीं करता भाई पार्षद, सुनता नहीं है, कुछ नहीं। नाम का पार्षद इस साल तो हार जाए, कोई भी हालत से जीत नहीं पाएगा इस साल, तो कुछ कर नहीं पाएगा इस साल। जो स्थितियाँ हैं रोड की, मुझे लगता है 10-15 साल पहले। हाँ, ये तो पहले का रोड है, बहुत पहले का। कुछ जैसे का वैसे नहीं, कुछ काम नहीं। वो नाम का पार्षद है, कोई मतलब कोई पार्षद नहीं है। वो राशन कार्ड वर्ड बना? हाँ, मेरा बना राशन कार्ड का। राशन वोशन वो तो मेरे लीलाधर बनाया मेरा राशन कार्ड, वो तो नहीं बना मेरे को, पहले वाला बनाया। नवीनीकरण भी हो रहा है ना? हाँ, हो रहा है अभी नवीनीकरण। नवीनीकरण किए कि नहीं? करवाया ना मैं तो, कर दिया। मैं लीलाधर था, एक नंबर था आदमी जो हार गए, अभी तो अपना वहाँ उरला से खड़ा है अपने क्षेत्र अपना, वहीं से जीता है वो। इस बार हम गए थे बोलने के लिए उनको हम लोग को, लेकिन लीलाधर चंद्राकर जी ने बनवाए हैं इसको। देखो लीला जो धर जो है जी है, वो सभी काम करवाए हैं अपने, जो शमशान घाट का पूरा काम ही करके और शौचालय वौचालय सभी चीज़ वही करवाए हैं। कुछ नहीं किया मतलब? अभी तो हमारे अभी तो कुछ नहीं किए, अभी तो अपने हिसाब से कुछ नहीं किए, अभी तो देख रहे हैं। तो मगर जो कुछ किया है लीलाधर चंद्राकर जी ने किए हैं। यहाँ पे रोड पे स्ट्रीट लाइट वाइट कुछ नहीं, लाइट एक ही तो लाइट बस तो है, और कहाँ एक तो अपना बस्ती में अंधेरा रहता। बस 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 लाइट लगाए सर, और क्या करेंगे, अपने अपने दरवाजे में लाइट है, आगे रहवासी है ना। अब यही समस्या है सर, और क्या है, और इसके बाद तो और कोई समस्या ही नहीं है। सबसे बड़ी समस्या तो यही है। हाँ, सबसे बड़ी चीज़ ज़्यादा यही है, और वो मेन रोड का अभी कुछ नहीं हो रहा है उसके बारे में। 5 साल हो गए फिर भी ऐसे पड़ा है। कितने साल से है ये ऐसा? ये तो शुरू से कम 20 साल हो गए। ये 20 साल हो गए? हाँ, 20 साल हो गए ये रोड ऐसी है। ये तो पहले ब्यारा था, ये तो कच्ची रोड था पहले, उसके बाद में थोड़ा सा डला है, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। 5 साल हो गए अभी भी कुछ नहीं बोल रहा है। पार्षद क्या बोलते हैं आप लोगों के? हो जाएगा बोलता है, लेकिन कुछ नहीं होता। नाली की गंदी पूरा मतलब गंदगी है ये नाली? इतना भरता है भैया, इतना भरता है ये पूरा यहाँ से वहाँ तक, ये घर अंदर भी अंदर घुस जाता है, इधर तो पूरा अंदर ही अंदर है। आप देख लिए नहीं जाकर? सर तो जा रहा है क्या घर में पूरा पानी? हाँ, पानी अंदर घुस जाता है। चलो दिखा देते हैं। फिलहाल हम वार्ड क्रमांक 50 रानी दुर्गावती वार्ड में मौजूद हैं, और ये हाल देखिए,
नालियां पूरी तरीके से जाम हो चुकी हैं और नालियां ओवरफ्लो होके सड़कों पर वो नालियों का पानी तैर रहा है। स्थिति क्या है देख सकते हैं, किस तरीके से यहाँ के लोग रहते होंगे। जो भी परिदृश्य है वो सब कुछ आप लोगों के नज़रों के सामने दिख रहा होगा। लगातार विकास के कोरे दावे होते हैं, विकास की गंगा बहती है, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से गंदगी है और किस हाल में आके जो वार्ड के लोग हैं वो रहने के मजबूर हैं। कैसे जाते हो जब बारिश वारिश होती है? बारिश वारिश में बहुत परेशानी होता है यहाँ, बाइक वाइक आने जाने में, पैदल शूज पहन के आते हैं तो पूरा गीला हो जाता है यहाँ। जॉब करते हो? हाँ जॉब करते हैं। मान लो सुबह तैयार होने के लिए अगर ऑफिस जाते होगे, अब बारिश हो गई और पूरा पानी भर गया तो कैसे होता होगा ऑफिस? शूज को ही काल कर पकड़ कर जाते हैं, गंदगी में ही जाते हैं। हाँ, और यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कंप्लेन भी किए और बहुत सारे लोगों को आवेदन भी किए, लेकिन यहाँ कोई नहीं आता। पार्षद के पास गई आप लोग? हाँ, उनको भी बोले हैं, वो बीच बीच में कराते हैं, लेकिन यहाँ परमानेंट कोई सलूशन नहीं। नालियाँ तो अभी भी जाम है, बारह महीना रहता है, गर्मियों में भी रहता है। गर्मियों में पानी ऐसे ही रहता है? गर्मी में भी ऐसे ही रहता है और कभी भी आओगे तो आप ऐसे ही रहता है, ऐसी गंदगी रहता है। बदबू वो भी घर में जाता है? बदबू कीड़ा सब जाता है, यहाँ बच्चे रोज बीमार हो रहे हैं, आए दिन बीमार हो रहे हैं, कोई सलूशन ही नहीं है। जैसे चुनाव होना है, क्या लग रहा है इस बार? जो मौजूदा पार्षद उनका काम का सब कुछ दिख रहा है? हमको तो पता नहीं है उतना, लेकिन पार्षद सब अपने अपने जेब भरने तक के है, लेकिन गरीबों का कोई नहीं है। जो स्थिति है, जो परिदृश्य है, लोगों तक हम जाके जो भी मौजूदा हालात है उसको दिखाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। घर के नीचे नालियां हैं, देख सकते हैं आप किस तरीके से नालियों में गंदगी का अंबार है। जो नालियों की स्थिति देखने के बाद साफ आपको एहसास होगा कि इस नाली की सफाई महीनों नहीं बल्कि बरसों से हुई नहीं है। आखिर लोग अपना नेता चुनते हैं, जनप्रतिनिधि चुनते हैं, और उसके बाद भी लोग ऐसी जर्जर और दुश्वारी भरी ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर रहते हैं।